इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान पर इल्जामात के बाद अब बाकायदा इंक्वायरी का आगाज हो गया है। नैब ने गैर मामूली तौर पर फराह खान के खिलाफ आबदी से जायदा सासे और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब के इलामिये के मुताबिक फराह खान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी नामालूम ज़राया आमदनी मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ कारोबारों के नाम पर मुतादिद अकाउंट्स रखने पर की जाएगी और डीजी नैब लाहौर को इस हवाले से कानून के मुताबिक इंक्वायरी करने की हिदायत दे दी गई है। नैब के इलामिये के मुताबिक फराह खान के अकाउंट में गुज़िश्ता 3 साल में 847 मिलियन यानी 84 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम देखी गई है। ये रकम फराह खान के प्रोफाइल के मुताबिक नहीं है, ये रकम फराह खान के जाती अकाउंट में डाली गई और फौरी तौर पर निकाल ली गई। नैब के इलामिये के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में फराह खान पर आमदनी से ज्यादा सातों में मुलविस होने का इल्जाम है, जबकि फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न में उनके असासे 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े जिसकी वजूहत नामालूम है। नैब के इलामिये के मुताबिक फराह खान 9 बार अमरीका और 6 बार मुत्तहिदा अरब अमारात भी गई। जब नैब ने इंक्वायरी का ऐलान किया तो हमने नैब से राबता करके उनसे सवाल पूछा कि फराह खान अवामी नुमाइंदा नहीं थी तो नैब ने किस कानून के तहत उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और क्या नैब के पास इस हवाले से करप्शन के सबूत हैं। यह इंक्वायरी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर ही शुरू कर दी है। इस हवाले से नैब ने हमें तो जवाब नहीं दिया मगर आज अपनी वजह जारी की है कि फराह खान के शोहर एहसन जमील गुजर 1997 से 1999 तक चेयरमैन जिला काउंसिल गुजरांवाला रहे हैं। एक साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर की बीवी की हैसियत से फराह खान का कंडक्ट कानून के मुताबिक काबिले गिरफ्त है। अब नैब 23 साल पहले अवामी ओहदा रखने पर अगर तहकीकात कर रहा है तो इस इंक्वायरी में नैब के दायरा इख्तियार और तरीका कार पर पहले ही सवाल उठ जाते हैं। इसके अलावा अपोजिशन फराह खान के हवाले से मुसलसल इल्जाम लगा रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा कि फराह खान का दूसरा नाम इमरान खान है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा सुना है ना, उसके ऐलान से एक हफ्ता पहले ये फराह गोगी जिसका दूसरा नाम इमरान खान है, इसने 2,60,00,000 रुपए की जमीन खरीदी क्योंकि इसको इमरान खान ने बता दिया था कि रिंग रोड मंसूबे का ऐलान होने वाला है, अगर ये जमीन तुम अब खरीदोगी तो ऐलान से पहले सस्ती मिलेगी और बाद में बेचोगी तो अरबों की जमीन हो जाएगी। इसने वो 200 किनाल जमीन खरीदी और जैसे ही वो स्कैंडल बाहर आया 1 अरब रुपए की बेच के दौड़ गई, रातों रात दुबई फरार हो गई और इमरान खान ने इसको रातों रात दुबई फरार कराया।